इंडस गेम की रीच गिरते जा रही है? क्यों लोग आजकल इंडस गेम के बारे में बात नहीं कर रहे? स्पेशली टेक्नो गेमर्स तक को जिसको स्पॉन्सर मिला था इंडस के बारे में, अब वो तक नाम नहीं ले रहा इंडस का। क्या हो रहा है ये सब आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। सो हेलो गाइस, मैं हूं गाइस, आप देख रहे हैं आज बस गेमर्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा, स्टार्टिंग में जब इंडस की लीक्स वगैरह निकलने शुरू हुए थे, तब एक हाइप क्रिएट हो रही थी कि हाँ, कोई इंडियन गेम बन रहा है। उसके साथ एक और गेम बन रहा था जो कि आपको पता ही है, और हाँ, इन दोनों का कंपटीशन काफ़ी चल रहा था और काफ़ी लोगों को भी इन दोनों गेमों का इंतज़ार था। लेकिन अभी के टाइम में कोई इनका नाम नहीं ले रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका हम बात करते हैं, हम शुरू से देखते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। स्टार्टिंग में बहुत हाइप अप हो गया था गेम, क्योंकि गेम के बारे में जितने भी लीक्स वगैरह आ रहे थे कि गेम बहुत ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। एंड धीरे धीरे करके गेम वगैरह के और अपडेट्स आने शुरू हो गए थे। जैसा कि आपको पता है कि इंडस का एक यूट्यूब चैनल भी है और डिस्कॉर्ड वो सर्वर भी है, तो इन सारे चीज़ों में सब इन्वॉल्व थे। और लॉकडाउन में भी, तो लॉकडाउन में हमारे लॉकडाउन में तो नॉर्मल गेमिंग काफ़ी इंप्रूव हुई, जैसा कि आपको पता ही है। क्यों अभी ये गेम आ रहा है इंडिया का, क्योंकि दरअसल फ्री फायर और BGMI ये दो गेम बार बार आ रहे बैन। इन BGMI तो फिर भी एक बार रिटर्न आया था, फ्री फायर इंडिया अभी तक बैन होने के बाद एक भी बार रिटर्न नहीं आया है। स्टार्टिंग में गेमिंग कम्युनिटी का कुछ ऐसा था कि लोग नॉर्मल गेम्स खेल रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि उसमें अब धीरे धीरे करके कम्युनिटी चेंज होने लगी, और अब जो लोग बहुत सारे गेम्स खेल रहे थे, अब वो लोग उस चीज़ को चलाने के लिए अब क्या कर रहे हैं कि जो ट्रेंडिंग गेम्स सारे सिर्फ उन्हीं को खेल रहे हैं, और जो गेम अब ट्रेंड में नहीं आ रहे कुछ टाइम के लिए, कुछ गैप अप है, तो उस बीच वो वही गेम्स को खेल रहे जो लास्ट ट्रेंड में चल रहा था। जैसा कि आपको एग्जांपल के लिए मैं बता दूँ, मिथपैट वगैरह, जैसे आपको पता होंगे मिथपैट भाई का तो चैनल पूरा कॉमेडी बेस्ड है, उनका वीडियो आपको उनके कॉमेडी की वजह से काफ़ी मज़ा आता होगा। लेकिन स्पेशली उन यूट्यूबर्स जिनका फेस रिवील नहीं है, उनका पूरा चैनल उनके वॉइस पर है, ठीक है। लेकिन उनके अलावा भी बहुत सारे क्रिएटर्स जो कि अपने चैनल की वजह से अपने चैनल को काफ़ी ग्रो कर चुके हैं, फिर भी वो ट्रेंडिंग ही गेम्स खेल रहे हैं क्योंकि उन्हें व्यूज़ चाहिए। तो आजकल लोग व्यूज़ के लिए ही ऐसा करने लगे, और जब लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि कोई गेम गिर रहा है जिसका ट्रेंड जा रहा है, तो उस गेम को वो लाइक स्किप कर दे रहे, उसको छोड़ दे रहे, ठीक है। तो ये चीज़ सही नहीं लग रही मेरे को, और इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा इंडस गेम है, स्टार्टिंग में उसका जब हाइप अप हो रहा था तो सारे लोग उसका नाम ले रहे थे, क्यों इंडस बैटल रॉयल ये है, ऐसा है, वैसा है। इंडस के बारे में कितने सारे लीक्स निकले थे, कितना उसमें बेहतर इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, क्या वो हमारे BGMI और फ्री फायर को टक्कर दे सकता है, ये सारा सिचुएशन चल रहा था। क्योंकि उस वक्त बार बार आपको पता होगा बैन हो रहे थे सारे गेम्स वगैरह धीरे धीरे करके, इंडिया से काफ़ी सारे गेम्स बैन होने शुरू हो गए थे लॉकडाउन के ही टाइम से, लॉकडाउन के लाइक एंड होते होते या उससे थोड़ा सा पहले से एंड होने शुरू हो गया था। गेमिंग कम्युनिटी वहीं से धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया, क्योंकि क्या हुआ कि बहुत सारे गेम्स ऐसे भी थे जो लोगों के बीच बहुत पॉपुलर थे और वो बैन होते चले गए। और इस वजह से क्या हुआ, एक तो वो पॉपुलर गेम्स चले गए, और उसके ऊपर से अब जो क्रिएटर्स हैं उनके पास जो पॉपुलैरिटी वापस गेन करने का कोई तरीका बच नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने अलग अलग गेम्स को ट्राई करना शुरू किया। और कुछ क्रिएटर्स जैसे कि टेक्नो गेमर्स वगैरह की, तुम GTA सीरीज़ ही ले लो, वो काफ़ी हाइप अप रहती है, जब भी वो आती है तो उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मेन बात ये आ रहा है कि जब जैसे टेक्नो गेमर्स की वजह से, अब पता है उज्ज्वल भाई की वजह से एक दो गेम्स जैसे पॉपुलैरिटी में गए थे, थोड़ा पॉपुलर हुए थे और थोड़ा सा ट्रेंड में आए थे, और ऐसे कुछ एक दो यूट्यूबर्स हैं जो कुछ कुछ गेम को ट्रेंड में जब ला देते हैं तो बाकी क्रिएटर्स उन्हीं को कॉपी करते हैं। और लोगों को एक ही चीज़ हर जगह देखना पसंद नहीं है और बार बार देखना पसंद नहीं है, लोग एक बार कोई चीज़ पर व्यूज़ चला गया, ट्रेंड हो गया वो, तो जो क्रिएटर्स होते हैं उसको एक या दो बार रिपीट करते हैं, उसको वही उसी गेम के बारे में वो वीडियोस बनाते हैं। कोई कोई लोग पूरी पूरी सीरीज़ बनाते हैं, जो कि मेरे ख्याल से सही आइडिया नहीं है। अब आप बोलोगे माइनक्राफ्ट, मैं भी तो माइनक्राफ्ट की सीरीज़ ही चला रहा हूँ ना, मेरा अभी season 1 के 10 एपिसोड्स अपलोड हो चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको देखना है। तो यहाँ पे माइनक्राफ्ट की अगर हम बात करते हैं, माइनक्राफ्ट को भी अगर आप लोगे तो आप देखोगे कि माइनक्राफ्ट में क्या सिचुएशन चल रहा है। जितना भी प्लेयर्स पहले खेल रहे थे, पूरा माइनक्राफ्ट हाइप अप था, बहुत सारे लोग माइनक्राफ्ट खेलते थे। उज्ज्वल भाई का माइनक्राफ्ट सीरीज कितना खतरनाक गया था आपको भी पता है, फिर हिमलैंड्स वगैरह भी चल रही थी आपको पता है, ESS स्मार्टी पाए, और अभी तो उनका क्या बोलते हैं गेमर फ्लीट का लिली वैली वाला SMP भी चल रहा है, ये सारा SMP वगैरह अभी भी रन हो रहे हैं मैं मानता हूँ, लेकिन अभी इनका पॉपुलैरिटी गिर गया।
इसका भी कारण मैं बता देता हूँ। दरअसल क्या हुआ था, माइनक्राफ्ट की वजह से, माइनक्राफ्ट में लोग खेल तो रहे थे, लेकिन माइनक्राफ्ट में अब लोग क्या हो रहा था कि स्टार्टिंग में माइनक्राफ्ट में बहुत कुछ था एक्सप्लोर करने को, लेकिन और अब अपडेट बीच बीच में जो मेजर अपडेट्स आ रहे थे वो बहुत अच्छे आ रहे थे, लेकिन अब अपडेट्स में कुछ खास आ नहीं रहा है। एक दो चीज़ें ही ऐड हो रही है, एक दो मॉब्स ही ऐड हो रहे हैं, मुश्किल से जो बायोम ऐड हो जा रहे हैं एक दो, बस उससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं। लेकिन मेजर अपडेट जो K1 क्लिप्स वाला अपडेट आया था जैसे, उसके बाद माइनक्राफ्ट और ज़्यादा रीच लिया था, लेकिन इसके बाद माइनक्राफ्ट का डाउनफॉल शुरू हो गया, क्योंकि माइनक्राफ्ट को लोग अब ज़्यादा, उनको बोरिंग लग रहा था सारा चीज़, वो नॉर्मल हो गया था बार बार कोई नया वर्ल्ड क्रिएट करना, उसमें खेलना, थोड़े बिल्ड्स वगैरह बनाना, और उसके बाद जाके एंडर ड्रैगन को ख़त्म करना, गेम ख़त्म हो जाता। लोग अब ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना चाहते माइनक्राफ्ट को, यही सारे कारणों की वजह से माइनक्राफ्ट भी चला गया। और जो इंडस गेम की अब हम बात कर रहे थे, इंडस गेम भी दरअसल हमारे गेमिंग कम्युनिटी के डाउन होने की वजह से तो डाउन गया ही, लेकिन मेजर रीज़न ये नहीं है। दरअसल लोग बोल रहे थे कि इस बार आएगा, अलग अलग रिलीज डेट दे रहे थे कि इंडस अब बहुत जल्दी आने वाला है, इतना बहुत बहुत जल्दी आने वाला है, अब आ ही जाएगा कुछ टाइम में तो आने ही वाला है, ऐसे करके पूरा हाइप क्रिएट हो गया एंड में पूरा। लेकिन अभी देखो, इंडस अभी तक नहीं आया, इतना टाइम हो गया, इंडस बैटल रॉयल अभी तक नहीं आया। आपको पता हुआ जैसा कि मुझे भी प्ले टेस्ट मिल रखा है इंडस का, और जहाँ तक मैंने गेम को खेला है उसमें काफ़ी सारे अभी बहुत काम करना बाकी, बहुत ज़्यादा काम उसमें अभी बाकी है। मुझे नहीं लगता है कि 2024 को, यानी कि इस साल इंडस गेम, तो मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। तो इस बार अगर तुम सोच रहे हो कि इंडस आ जाएगा 2024 में, तो ऐसा नहीं है, ये मैं खुद बोल रहा हूँ, क्योंकि दरअसल मैं खुद प्ले टेस्ट कर रहा हूँ और मैंने काफ़ी सारा चीज़ें देखा है, ना अभी वर्ल्ड चैट ढंग से ऐड हो रखा है, ना अभी एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड हो रखे हैं। इनफैक्ट अभी तो नया नया सोलो मोड स्टार्ट हो चुका है गेम में, अभी हम खेल सकते हैं सोलो और स्क्वाड, हमारा टाइम पीरियड जो भी हमारे टाइम पे हम खेलते हैं नॉर्मली इंडस पे चालू हो जाता है। इतना कुछ अभी बाकी है गेम में आना, तो गाइस इसलिए मैं आपको बता रहा था कि अभी गेम में तो काम बहुत बाकी रह गया है। सो इस बार ये मत सोचना कि गेम इस बार आएगा, लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास प्ले टेस्ट है तो मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा, गेम के अपडेट्स, गेम में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, गेम में क्या क्या ऐड हो रहा है, और इवेंट डिटेल्स। तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। आई होप आपको ये पसंद आएगा, अगर अपने उन फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना जिनको लग रहा है कि इंडस इस पर आ जाएगा। बाय बाय।